फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी फारा की रेसिपी और ये यूपी में काफ़ी ज़्यादा बनती है और ये मेरे ससुराल वाली डिश है क्योंकि मेरे मायके में अलग तरीके से बनती है। तो मैं आज यहाँ वाला शेयर कर रही हूँ आपसे कि कैसे बनाते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने उड़द की दाल है धुली हुई, इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था, और ये चने की दाल को। और इसकी क्वांटिटी ऐसे है कि अगर ये एक कटोरी आप लेंगे तो चने की दाल 2 कटोरी लेंगे। इसके बाद फिर हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया दोनों को। वॉश करने के बाद अब हम इसे पीसेंगे। इसमें पानी फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों दालें हम इसमें डाल लेंगे जार में, और हमें ये बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। अब ये दोनों दालें इसमें डाल दी है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली डालेंगे, ये देखिए, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है। और ये देखिए, जिंजर है थोड़ा सा, अदरक, और कुछ कलियाँ लहसुन की, गार्लिक, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब हम इसे दरदरा पेस्ट बना लेंगे इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये अच्छे से पीसा मैंने, अच्छे से नहीं पीसा इसे, अभी एक ही बार चलाया था। अब इसमें मैं डालूंगी हींग। हींग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बादी करता है उड़द की दाल, तो इसके साथ हमें हींग ऐड करना ज़रूरी है। और इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच जीरा। अब हम इसे वापस से पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया ऐड कर देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब मैंने ये आटा लगा लिया है, ये चावल का आटा है, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, सॉल्ट, और उसके बाद हमने इसको हल्का गर्म पानी से गूंदा था ताकि इसमें अच्छे से लोच आ जाए, और थोड़ा सा जैसे पराठे के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। और अब मैं इसका क्या करूँगी, छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, छोटी छोटी सी। और मैंने फ्रेंड्स इसी में मैं इसको स्टीम करूँगी, तो मैंने इसमें ऑयलिंग कर ली है, ग्रीस कर लिया है इस प्लेट को। और अब हम ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, पहले तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने ऐसी छोटी छोटी लोई बना ली है। अब हम इसमें ये मसाला थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे ऐसे बीच में। थोड़ा सा मसाला रखने के बाद हम इसे ऐसे पकड़ेंगे दोनों तरफ से, और इसको ऐसे दबाएंगे हल्का सा। ये देखिए, फिर से ये ऐसे थोड़ा सा मसाला इस पे रखना है, और उसके बाद ऐसे पकड़ना है इसको, बस छोड़ देना है, ये ऐसी शेप बन जाएगी। अब ऐसे ही मैं सारे बना लेती हूँ। देखिए, मैंने सारे बना लिए हैं, और ये जाली वाली छन्नी है मैंने इस पे रखा हुआ है इसे। अब हम इसे स्टीम करेंगे। ये देखिए, मैंने इडली कुकर में पानी बॉईल कर लिया है। अब मैं इसके बीच में इसे रख दूंगी। ये देखिए, मैंने रख दिया इसको। अब मैं इसको ढक्कन से ढक दूंगी इसके। अब ये 15 से 20 मिनट लगेंगे बस फ्रेंड्स। ये देखिए, ये पक गए हैं एकदम। अब मैं इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, फिर इसको निकाल लूँगी इसमें से, कुकर में से। अब फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा बघाड़ लगाऊंगी इसका। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई, थोड़ा सा राई डाल देंगे, और थोड़ी सी मीठी नीम डाल देंगे। अब ये हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये फारा बनाया है जो हमने। अब हमें कुछ नहीं करना, बस 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही इसमें थोड़ा सा भून लेंगे, 2-3 मिनट के लिए बस।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फारा बनके रेडी हैं और इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं और सॉस के साथ भी खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये भुनने वाला प्रोसेस भी चाहें तो करें, ये सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों तरह से ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।